भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शेट्टी ने पद्मनगर यशवंत चाल का दौरा किए। पद्मनगर यशवंत चाल के क्षेत्र में सभी नाले के गटर चौकअप हो जाने से रोड पर गटर का गंदा पानी बह जाने से जनता परेशान थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शेट्टी को स्थानीय इस विषय पर जानकारी दी तो संतोष शेट्टी ने भिवंडी मनपा को जानकारी दी, नए नाले की गटर की मंजूरी ली, उसका आज भूमि पूजन किए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता संतोष शेट्टी जी के साथ यशवंत चाल के शंकर पोतू, डॉक्टर कृष्णहारी बेती, रेम्मा वेणु, कोडूरु भूमेश, सत्तैया दंडपेली व आदि लोग उपस्थित थे। बहुत परिस्थिति खराब है पूरे 17 नंबर वार्ड, 16 नंबर वार्ड सब जगह। तो दो ढाई साल से महापालिका में अस्तित्व नहीं है। तो मैं सम्माननीय देवेंद्र जी, हमारे एकनाथ शिंदे जी, हमारे मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी, अजीत पवार, इनको सबको मिलने के बाद उन्होंने मुझे 6-7 करोड़ का निधि दिया था, जो इलेक्शन के पहले सब टेंडर निकल गया था। आचार संहिता की वजह से सब वर्क ऑर्डर रुक गया था। अभी सब जगह आचार हटने से वर्क ऑर्डर भी हो गया मेरा, और पूरे इस परिसर में जहाँ जहाँ भी ऐसा तकलीफ है वहाँ पे हम लोग ने काम चालू किया है। और भी अगर फंड लगेगा, इसकी मैंने मांगनी किया हूँ, और पूरे विधानसभा जो है, पूरे विधानसभा जहाँ भी जो भी अड़चन रहेगा, वो शांतिनगर हो, गैबी नगर हो, नई बस्ती हो, ये सभी जगह का हम लोग ने मालूम दिया है ऊपर, और सभी जगह काम चालू होगा। और भी मांग की है जनता ने यहाँ पर, और भी साफ सफाई करने के लिए, वही पूरा होगा। ये जो सरकार है ये हर लोग का जरूरत पूरा करेगा। तो गटर का समस्या एक साल डेढ़ साल से परेशान था, तो अन्ना को जाके बोला, उसके हिसाब से आज आके उसका जो मुहूर्त किया है, जो पानी का जो तकलीफ दूर करेगा करके आज मुहूर्त किया है, और आगे भी और जो प्राइवर ब्लॉग जो भी है सब कुछ करके देगा करके बोला, अभी आज मुहूर्त किया है। संतोष अन्ना मतलब वो बोलने का कम है, काम ज़्यादा करते हैं, और उसके लिए हम लोग को संतोष अन्ना बोलेगा तो हमारा चाल में और हमारे एरिया में हर एक बच्चा बुजुर्ग सब लोग उनको इज्जत देते हैं, और अन्ना भी ऐसे हम लोग को प्यार मोहब्बत देते हैं। जो भी काम रहेगा तो कल आओ परसों आओ कभी बोलता नहीं, अपना सामने 5 मिनट के अंदर वो तुरंत काम कर देते हैं।